सबसे पहले खरपतवार के नियंत्रण की गैर रासायनिक विधि देखें। किसी भी अन्य पौधों की तरह खरपतवार भी अपने लिए खाना बनाता है, इसलिए इसे मिट्टी में मिला देने से मिट्टी में खाद की मात्रा बढ़ती है। मिट्टी एवं पानी के संरक्षण में खरपतवार एक मुख्य भूमिका अदा करता है। छुईमुई, केसिया और कई फलीदार खरपतवारों की जड़ में नत्रजन जमा होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। जड़ से उखाड़ने के बजाय खरपतवार को काटना हाल ही में लोकप्रिय हुआ है। इसके लिए खरपतवार को काटने की मशीन प्रचलित है। ब्रश कटर को चलाने के लिए फसलों की पंक्तियों के बीच अगर जगह कम है तो अंतर सस्य क्रिया के लिए छोटी रोटर टिलर का उपयोग किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बागों में आवृत फसल या पलवार बहुत ही उपयोगी है। खुली व चौड़ी खेत पहले एक बार सिंचाई करें। खरपतवारों के अंकुरण के बाद जमीन की जुताई करें। यह किसान धान की फसल में निराई करने के लिए आसान यंत्र का उपयोग करता है। इसके लिए छोटे पिंजरे जैसे चक्र ब्रश कटर के साथ ही लगाया जाता है। निराई के अतिरिक्त इससे बेहतर जुताई भी हो सकती है। अधिक सिंचाई बागों में खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देती है, लेकिन ड्रिप से सिंचाई करने से खरपतवारों की वृद्धि कम होती है। अधिक सिंचाई करने पर केले का पनामा झुलसा सिंचाई के पानी के साथ फैल जाता है, लेकिन ड्रिप से सिंचाई करने पर यह समस्या नहीं होती। यह सलाह दी जाती है कि स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल फसलों व किस्मों को उगाएं। अनुकूल परिस्थिति में संकर किस्में अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये विफल होती हैं। हर समय किसानों को अधिक कीमत देकर संकर किस्मों के बीज खरीदने पड़ते हैं। सामान्यतः व्यावसायिक संकर किस्में कीटों व रोगों के कम प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए खादों व कीटनाशकों पर ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों के पास उपलब्ध स्थानीय किस्में सस्ती होती हैं। इन किस्मों के उपयोग से फसल एवं किस्मों की विविधता बढ़ती है। ये किस्में जैविक खेती के अनुकूल होती हैं और ये विपरीत मौसम का सामना कर सकती हैं। कीटों व बीमारियों की समस्या भी कम होती है। ऐसी किस्में भी हैं जो कुछ विशेष बीमारियों और कीटों के प्रतिरोधी एवं सहनशील होती हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरियाई झुलसा के प्रतिरोधी टमाटर किस्म उपलब्ध है। प्रतिरोधी किस्मों को उगाने से दवाइयों की आवश्यकता कम होती है। रोपाई का समय भी महत्वपूर्ण है। बीमारियों का प्रकोप एवं फैलाव मौसम एवं जलवायु परिस्थिति पर निर्भर होता है। बुवाई या रोपाई के समय पर विशेष ध्यान देकर कीटों व बीमारियों से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। फसल चक्र भी एक मुख्य क्रिया है। किसी भी फसल को दोबारा लगाने से कीटों व बीमारियों की समस्या बढ़ जाती है और सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो जाते हैं। विभिन्न फसलों को शामिल कर किया जा रहा फसल चक्र इन समस्याओं को कम करता है। इससे कीटों व बीमारियों की समस्या को कम होकर फसल का स्वास्थ्य सुधारता है और इसकी मजबूती बढ़ती है। फसल चक्र में फलीदार फसल को शामिल करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और इससे अगली एकल बीज फसल को लाभ मिलता है। कीटों व बीमारियों की समस्याओं को कम करने के लिए अंतर्वर्ती फसल क्रिया और मिश्र फसल क्रिया भी उपयोगी है।